हेलो ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज फैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है मेरा दोस्त राजेश और इसका है डोमिनर 400 2009 वाला मॉडल। तो उसका ये आज का 2019 सॉरी तो उसका ये आज का पूरा वीडियो होगा। और मैं पहली बार डोमिनर 400 राइड करने वाला हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो ये मतलब कुछ रिव्यू वाला वीडियो नहीं है, ये बस मैं पहली बार डोमिनर 400 राइड करने वाला हूँ तो इसके बारे में ही होगा और क्या क्या चीज़ें मुझे अच्छा लगता है इस बाइक के ऊपर, ये आज का वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी इस बाइक को थोड़ा चलाएंगे और चला कर देखेंगे कि कैसा लग रहा है और ब्रेकिंग कैसा है वो भी आप लोगों को बताएंगे। लेट्स गो। पावर तो काफी अच्छा है, पावर बहुत ही अच्छा है, इंस्टेंट काफी अच्छा है। ब्रेक्स आर नॉट गुड, पावर थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है इस बाइक में और क्लच भी बहुत स्मूथ है और पर ब्रेकिंग उतना अच्छा नहीं है, बाकी सब बहुत अच्छा है। क्वालिटी वगैरह वाइब्रेशन नहीं है, स्मूथ है काफ़ी इंजन। हैंडल बार में लिटिल बिट वाइब्रेशन है वो पता नहीं चलेगा आप लोगों को। तो इस बाइक का जो साउंड है वो काफ़ी मतलब बेस है उसमें थोड़ा भारी भरकम सा है। और मिरर्स का विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है और बहुत कंफर्टेबल है, मतलब लॉन्ग राइड आराम से किया जा सकता है। और इस बाइक का ऑन रोड दुर्गापुर में है वैल्यू है अराउंड 2,20,000 के आसपास है ऑन रोड वैल्यू इसका, तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी भी है। तो ब्रेक्स उतना बाइटी नहीं है, मेरे बाइक में ब्रेक्स बहुत बाइटी है, इससे तो ज़्यादा ही है, बाइट है बहुत। नया बाइक है, ज़्यादा चला नहीं है, ओनली 2,123 किलोमीटर बाइक चला है। सस्पेंशन भी सॉफ्ट है मेरे बाइक से थोड़ा। इंजन का साउंड में इतना बेस है कि हेलमेट के अंदर भी काफी मतलब साउंड आ रहा है। तो बाइक को ओवरऑल बाइक बहुत ही अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी है और थोड़ा वेट ही है पर वेट समझ में नहीं आएगा,
रॉयल एनफील्ड से तो हल्का ही है, 187 किलो वेट है इसका, अराउंड 187 या 190 ऐसा अराउंड है वेट इसका। और लुक्स काफ़ी मतलब एजी है, शार्प है, थोड़ा बिजी लुक्स है, और इसका लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे RS 200 से। RS 200 थोड़ा फीका लग रहा है इसके सामने लुक्स के डिपार्टमेंट में। और क्या, और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड रिमेंबर, लाइफ इज लाइक अ मोटरसाइकिल, टू कीप बैलेंस मस्ट कीप मूविंग। तो गाइस थैंक यू, बाय। सब्सक्राइब दिस चैनल, हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लॉन्ग राइड का प्लान है थोड़ा बहुत, मतलब छुटका मुटका राइड, वही मेरे लिए लॉन्ग राइड है। दिसंबर महीने में करेंगे, देखते हैं क्या प्लान होता है।